नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुरु की प्रतिमा का किया अनावरण। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना, कहा इस बार ऐतिहासिक होगी चारधाम यात्रा। देहरादून में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। चंपावत उपचुनाव पर करण मेहरा ने भरी हुंकार, कहा हारे हुए सीएम को फिर से हराएंगे। यमकेश्वर के फुलचट्टी रता पानी के बीच सड़क पर पलटा घास से भरा ट्रक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं। ऐसे में कल जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के लिए रवाना हुए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर पहुंचकर गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और ब्रह्मालीन महंत अवेधनाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इसी के साथ चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित रहे। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने फोन के माध्यम से यमुनोत्री धाम के मुख्य पुजारी और वहां उपस्थित समस्त श्रद्धालुजनों को अक्षय तृतीया और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के शुभ अवसर की शुभकामनाएं दी। खानपुर विधानसभा में वरिष्ठ पत्रकार और विधायक उमेश कुमार के द्वारा ईद के मद्देनजर पूर्व विधानसभा में एक दर्जन मीठे शरबत के स्टॉल ईदगाह के नजदीक नमाजियों के लिए लगवाए गए। यही नहीं, उमेश कुमार ने उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार ईद की नमाज से पहले नमाजियों के ऊपर अपने हाथों से फूल बरसाने का काम किया है। हिमनगरी मुंसियारी में गुलाब की खेती की योजना को धरातल में उतारने के लिए ग्रामीण स्तर पर बैठकें कल से शुरू हो गई है। कल ग्राम पंचायत बुंगा और मल्ला घोरपट्टा के महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें काश्तकारों का चयन किया गया। विकासखंड के सभागार में आयोजित दो ग्राम पंचायतों के महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक में सहायक विकास अधिकारी उद्यान कमल पंत ने उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि इन 3 वर्षों के भीतर महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव को स्वरोजगार के लिए खड़ा करने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावनाओं को देखते हुए विशेषज्ञों को बुलाकर संभावना खोजी जा रही है, ताकि क्षेत्र के लोग अपने ही गांव में अपने द्वारा तैयार की गई रोजगार से अपनी आजीविका को चला सके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पौड़ी जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कांग्रेस को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की परेशानियों को जानने के लिए वो सभी जिलों के भ्रमण पर निकले हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि हारे हुए सीएम को वो फिर से हराएंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के आसपास के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। जंगलों में आग लगने से काफी वन संपदा को नुकसान हुआ है। हजारों की संख्या में पेड़ जल कर राख हो गए हैं। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। होने और गर्मी बढ़ने की वजह से आजकल फॉरेस्ट फायर की काफी घटनाएं हो रही है। इसमें वन विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस तीनों के द्वारा इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि इनकी घटनाओं को जो है जितना कम हो सके उतना लिमिट किया जा सके। लेकिन चूंकि जो वन हैं वो गांव की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के वन हैं, और जब तक हमारे ग्रामीण और क्षेत्रीय जनता इसमें अपना सहयोग नहीं देगी, तब तक हम फॉरेस्ट फायर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बस संदेश हम यही देना चाहते हैं कि लोग अपने खेतों में कूड़ा न जलाएं, खेतों में फसलें न जलाएं जब तक कि बरसात नहीं होती है, और इसके अलावा अपने वनों में निगरानी बनाए रखें। और जब आग बड़ी हो जाती है तो उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश यही करनी है कि आग लगने से ही रोकी जाए और लगने तक उसको बुझाया जाए, ताकि वो आग फैल ना पाए। तो इसमें ग्रामीणों का और वन विभाग को, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग, सबको एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा, तभी हम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। देहरादून के डालनवाला कोतवाली क्षेत्र में डीएवी कॉलेज के पास घर में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद लोगों ने पहले खुद ही आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार भीषण होती जा रही थी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग से सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार सुबह को हुई। पुलिस ने बताया कि घर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों को भीषण होता देख स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यमकेश्वर के फूलचट्टी रत्तापानी के बीच एक घास से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर अचानक से पलट गया। विधानसभा क्षेत्र में हुई दुर्घटना लापरवाही जबरन की गई प्रतीत हो रही है। यहां एक बड़ा ट्रक कार को ओवरटेक करने के दौरान उसके ऊपर ही पलट गया। जानकारी के अनुसार यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला सिलोजी मोटर मार्ग पर यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि एक कार और एक मैक्स वाहन जैसे ही फूलचट्टी के पास पहुंचा, उन्हें ओवरटेक करने के दौरान एक बड़ा ट्रक उक्त दोनों वाहनों के ऊपर पलट गया। इससे वाहन में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। हादसे में एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई है। उधम सिंह नगर के किच्छा पुलिस ने मोबाइल झपट मारी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी उत्तर प्रदेश के बहेड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दो बाइक सवार लोगों ने एक महिला को धक्का मारकर मोबाइल लूट की घटना की थी, जिसको कल सीसीटीवी की मदद से लूट की घटना करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त किया गया वाहन भी बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। एक मोबाइल झपट्टा मारकर मेरे उठा रहे हैं, इस पर तुरंत मैं पुलिस टीम खड़ी की गई और जिसमें दो व्यक्तियों को निष्क्रिय द्वारा गिरफ्तार किया गया है, मैं मोटरसाइकिल के और मोबाइल की रिकवरी की गई है। कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अभी इनका कोई इतिहास आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है और जैसे पता चलेगा उसमें शामिल किया जाएगा। नैनीताल पुलिस की हाल बड़ी कामयाबी लगी है। नौकरी के नाम पर लोगों को करोड़ों की चोट पहुंचा चुका महाजालसाज आखिरकार पुलिस के शिकंजे में फंसी गया। हल्द्वानी में पुलिस ने विधानसभा सचिवालय और अन्य सरकारी सेवा में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है। अभियुक्त द्वारा विधानसभा सचिवालय समेत कई सरकारी नौकरी लगाए जाने के नाम पर लोगों से 3 करोड़ की ठगी की है। वहीं जांच में यही पता चला है कि इसके द्वारा 90 से अधिक लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए गए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे कई सारी जानकारियां निकल कर सामने आएगी। अभी तक ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी ठगी में से एक है। इस अभियुक्त के कनेक्शन राजनीतिक लोगों के साथ भी है। ऐसे में पुलिस इस पहलू की भी जांच करेगी। ये 24 अप्रैल को नवीन चंद जोशी द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 420 का थाना मुखानी में, और इसके इन्वेस्टिगेशन के उसमें रितेश पांडे के नाम पे उसने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें रितेश पांडे को गिरफ्तार किया गया है। और रितेश पांडे के खिलाफ और भी कई सारे, एक रामनगर में मामला अभियोग पंजीकृत हुआ है 420 का, एक मल्लीताल कोतवाली में अभियोग पंजीकृत हुआ है। इससे इसकी जांच की जा रही है और अभी तक जितना इसने स्वीकार किया है उसके अनुसार इसने अभी तक 3 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की है लोगों से। ये सरकारी नौकरी सचिवालय और विधानसभा में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से पैसे लेता था, और अभी और भी मामले सामने आ सकते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। टीमें इसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।